हाँ, नेक्स्ट हम अभी देखने वाले हैं बिटवाइज। ठीक है जी, बिटवाइज में कौन कौन से हैं हमारे पास? बिटवाइज और है, ठीक है, सिंगल एंड यूज करते हैं तो ये आपका रहता है बिटवाइज एंड। ठीक है, फिर एक होता है आपका एक्स और, ठीक है, फिर आपका लेफ्ट शिफ्ट, दूसरा है राइट शिफ्ट। ठीक है जी, एक और है लेफ्ट शिफ्ट फिल विद जीरो, वैसे इनका ना बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, बहुत ज्यादा क्या, इवन मैं अपने एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो पिछले 8-10 साल से मैं काम कर रहा हूँ जावा के अंदर ही, तो ये सिर्फ इसी मतलब आज डिस्कस करेंगे कल डिस्कस करेंगे खत्म, इसके बाद कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। कभी कभी कहता है आपको कोई टेस्ट अगर आप दे रहे हो जावा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, उसमें आपको कोई एक दो क्वेश्चन मिल सकता है, बस इतना ही है। ठीक है जी, और इसमें आई थिंक सारे हो गए, कोई और होगा तो मुझे याद नहीं है अभी। वो बुक ले ली सब लोगों ने? यस सर, यस सर, ठीक हाँ उसमें देख लो अगर कुछ मिस हुआ है मेरे से तो। ठीक है, तो मैं डिस्कस करता हूँ ये। अच्छा, काम कैसे करते हैं ये? काम आपका जो बिटवाइज ऑपरेटर है बिट्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, किसके ऊपर काम करता है? बिट्स के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 10 और 20, ठीक है, तो मुझे क्या करना है इसमें? और ऑपरेशन करना है। कौन सा ऑपरेटर ऑपरेशन करना है? और, ठीक है, और कौन सा? बिट वाइज। कैसे करेगा? बिट पे अगर बात करें तो पहले मुझे इसकी बिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो अगर मैं 10 को कन्वर्ट करता हूँ बिट में तो ये बनेगा 1010। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है क्या? और जब हम बात करते हैं किसकी, 20 की, तो 20 बनेगा कुछ इस तरह से, 1 0 0, सॉरी नोट नो, यहाँ होगा आपका 1 0 और 0, ये बनेगी आपकी 10 की, सॉरी 20। 20 को ऐसे लिख सकते हैं बिट्स में और 10 को ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट है क्या? ना सर, ठीक है, अब इसमें क्या करना है? और तो और, अच्छा पहले करने से पहले मुझे एक चीज और कर लेनी चाहिए यहाँ पर, कि सपोज मेरे पास दो इनपुट है, एक एक्स है और एक वाई है। ठीक है, एक्स और वाई। अब अगर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो मैक्स वो हो सकते हैं जो पॉसिबल इनपुट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? 0 0, राइट, 0 1, दूसरा कर सकता है 1 0 1 1, यही हो सकते हैं पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है। अब अगर यस मैं इसको सॉल्व करूं, या ट्रूथ टेबल आपने पढ़े होंगे, एक्स और वाई लिख रहे हैं हम लोग, एक्स और वाई, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका, 0 इज मतलब जहां पर आपके दोनों इनपुट क्या है, 0 है, तो वो 0 बनेगा, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द केसेस में क्या बनेगा? 1, जब आप वन और ऑपरेशन कर रहे हो। ठीक है, और एक और चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर, ये कोई एडिशन नहीं है बिटवाइज एडिशन कि आपका कैरी आएगा या कुछ, तो ये चीज का भी ध्यान रखना है आपने, बस सिंपल आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल है किसका? आपका और का बिटवाइज और का। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो 1 एज इट इज आ गया, ठीक है, फिर 0, वन सॉरी 0 नहीं, 1, वन हाँ जी 1, ठीक है, उसके बाद 1, ये भी 1, और ये क्या हो जाएगा? 0 0। ठीक है, अब अगर इसको कैलकुलेट करते तो कितना बनेगा?
16 + 8 कितना हो गया 24 सॉरी सॉरी ये 8 था 16 + 8 ये हो गया 24 प्लस 4 28 प्लस 1 कितना हो गया 30 ये इतना बनेगा भाई डाउट है कैसे बना ऐसे अब इसको एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं एक प्रोग्राम लिखा मैंने और यहाँ पे मैंने क्या किया 10 और 20 कितना बना 30 बना ठीक है इस तरह से कैलकुलेट आप कर सकते हो इसको कोई कंफ्यूजन है ठीक है और अब देखते हैं दूसरा नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन और करें अभी क्या करते हैं हम ये करते हैं क्वेश्चन इसमें और कर लेते हैं 15 and 19 ठीक है 15 और 19 को देखते हैं क्या आएगा इसमें रिजल्ट तो 15 को कैसे लिख सकते हैं बिट्स में कैसे लिख सकते हैं हाँ जी 15 हो गया 19 को कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे ऐसे 1 और ये क्या हो जाएगा 0 0 0 1 1 ठीक है 1 1 ये आपका 1 है ये 2 है ये 4 है ये 8 है ये 16 है 16 प्लस 2 18 प्लस 1 ये 19 बन गया आपका है ना ठीक है अब अगर इसको सम करते हैं तो कितना बनेगा सारे वन बन जाएंगे राइट तो कितनी वैल्यू बनी है 16 प्लस 8 31 आएगा हाँ जी 31 बिल्कुल अभी यहाँ ट्राई करते हैं इसको 19 और 15 यहाँ तक कोई डाउट है अगर तो बताओ नो डाउट तो आपने सीधे सीधे एडिशन नहीं कर देना देखो क्योंकि पिछले केस में गया था हमारा 10 और 20 के केस में 30 आ गया था है ना बट अगर इस तरह से कुछ है कंसेप्ट तो फिर ये कितना आना चाहिए था 34 आना चाहिए था ना Yes, sir. तो आपने सीधे डायरेक्टली ऐड नहीं करना ये आपने फॉर्मूले के हिसाब से करना है ठीक है चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये हटा दूं मैं यहाँ से या रहने देते हैं यहीं पर इसको ही इसी से हम करते हैं अब एंड का डिस्कशन ठीक है एंड में क्या होता है आपका एंड में आपके अगर दोनों इनपुट वन है तो वन होगा अदरवाइज क्या होगा जीरो ठीक है अब अगर इसमें हम बात करते हैं कि हम इसमें लगा रहे हैं क्या एंड ठीक है तो यहाँ पर कौन सी चीजें जो मेरी वन है कहीं पर भी नहीं है है क्या दोनों वन तो कहीं पर भी नहीं है है ना तो सारा क्या बन जाएगा ये जीरो तो टोटल आउटपुट भी क्या रहेगी इसकी जीरो बन जाएगा ये मतलब डेसिमल में अगर करते हैं आप 10 and 20 ठीक है ये हम कर रहे हैं तो जीरो आया हमारा ठीक है इसमें करके देखते क्या बनेगा 15 and 19 तो इसमें हमारे पास क्या है ये जीरो होंगे राइट क्या वैल्यू बनेगी जरा कैलकुलेट करना थ्री ये भी जीरो होगा
कितना बना? थ्री बनेगा, ठीक है। कितना लिखा था हमने? 15 एंड 19, राइट? ठीक है, गुड। अब आगे बढ़े, एक्सोर को देखें। ठीक है जी, एक्सोर पे चलते हैं अभी। अच्छा, अब हम लिख रहे हैं एक्सोर का ट्रुथ टेबल। इसमें क्या होगा, जब आपके दोनों इनपुट जो है वो अपोजिट है, अपोजिट मतलब 1 0 1 1, 1 आएगा, अदरवाइज 0, ठीक है, इस तरह से। अब अगर इसमें करते हैं हम एक्सोर तो क्या बनेगा, ये तो सेम है तो आपका क्या रहेगा, 0, अपोजिट है तो 1, अपोजिट है तो 1, 1, और यहाँ पर भी अपोजिट है तो 1, तो कितना बन जाएगा ये, टेस्ट करते हैं इसको। 10 XOR 20, 30 आ गया। नेक्स्ट करते हैं 15 एंड, और अपना XOR ऑपरेशन लगाते हैं इसमें, ठीक है। तो 1 1 है तो 0, 1 1 है तो 0, और अगर अपोजिट है तो 1 1 1, ठीक है, ऐसे ही बनेगा। yes, हो गया 28 28 28। भाई जिसको समझ में नहीं आ रहा हो मेरे को बता देना, ठीक है। राजीव आ रहा है समझ? थोड़े से ऐसा प्रॉब्लम है लेकिन कुछ अभी कुछ हमने अपना आप करके देखूंगा इसे। अच्छा ठीक है, गुड। बाइनरी की मुझे वो करनी है थोड़ी कोडिंग प्रैक्टिस। हाँ, वो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, अगर कहीं डाउट होएगा तो पूछ लेना मेरे से, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कल तक मेरे पास पेन भी आ जाएगा तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके सर, ठीक है जी, ये यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं भाई लेफ्ट शिफ्ट में। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, इसमें आप जब लेफ्ट शिफ्ट की जब बात करते हो तो क्या होती है, आपकी वैल्यू को आप शिफ्ट कर रहे हो। मतलब सपोज आपके पास एक नंबर है 1010, ठीक है, ये नंबर है आपके पास, अब मैंने कहा कि इसको 2 बिट आगे शिफ्ट कर दो, ठीक है। सपोज ये 8 बिट में लिखते हैं इस नंबर को, तो 8 बिट में कुछ ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ इस नंबर को 2 बिट अगर आप आगे शिफ्ट करते हो तो क्या बनेगा, तो आगे करने पे क्या बनेगा, 001010, और जो लास्ट की जो 2 जिट है जिनको आपने रिप्लेस किया वो 0 से रिप्लेस हो जाएंगे, तो ये वैल्यू बनेगी। मतलब इस 1 को आप कहाँ लेके आए हो, ये 1 को आप यहाँ ले गए हो, ठीक है, ये 0 को यहाँ ले गए हो आप, ये 1 को आप यहाँ ले गए हो, और ये 0 को आप यहाँ ले गए हो। मतलब आपने 2 बिट को 2 बिट शिफ्ट कर दिया है अपने नंबर को, समझ आ रही है बात? Yes, sir. Okay. तो suppose मैं कहता हूँ int a is equal to, मेरे पास 10 है, ठीक है, कितना है 10, ठीक है। अब मैं एक और चीज यहाँ बोल रहा हूँ, क्या a left shift, कितना left shift करना है, 2 bit, ठीक है। तो 2 अगर मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ तो ये कितना बनेगा, उसको यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। यही हमारा था अभी जो हम चेक कर रहे थे, 8 + 2 = 10 है ये। अब इसको आगे कर ले जा रहे तो कितना बन गया, ये यहाँ पर होगा 16, ये हो गया 32, 40, तो ये कितना बन गया भाई, 40 बन गया, ठीक है। चलो इसको यहाँ ट्राई करके देखते हैं एक बार। टेन लिया हमने, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू ए शिफ्ट कर दीजिए कितना, 2,
और ए को प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना बना है, 40 बना है भाई, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ इसको तीन बिट करो, तो तीन में क्या होगा, ये जीरो यहां से हट जाएगी और इधर आ जाएगी, राइट। अब कितना बन रहा है ये, 64 प्लस 16 80 कितना बन गया, 80 बन गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डबल होते जा रहा है, तो हो रहा है। नहीं नहीं डबल नहीं हो रहा है, एक और बार करते हैं, समझ और आएगा, ठीक है। इसको चार चार कर देते हैं इस बार, तो अभी ऐसे बन जाएगा। अब देखो क्या बनेगा, 128 प्लस 32 कितना हो गया, 160 अब अगर ये नंबर कुछ और होता, लेट्स से ये नंबर हमारे पास है 15, ठीक है। 15 में अगर करते हैं हम, तो 15 की बात करते हैं हम, 15 को ऐसे लिखते हैं भाई, देखो 00 01 11, ठीक है। और फिर ये बन जाएगा कितना, 1111, और ऐसे बन जाएगा कि नहीं, अगर चार बिट शिफ्ट कर रहे हैं तो। और ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा, इसको सम करो जरा, हाँ जी, चलिए। अगर आपको हिंट मिल गया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ, अगर नहीं मिला है तो। 30 का डबल 120 15 × 2⁴ हाँ सर, हाँ जी, 15 × 2⁴ 15 × ये कौन बोल रहा है वैसे, दानिश, हाँ जी, वेरी गुड। इसको आप ऐसे लिख सकते हो भाई, ठीक है, जो भी रिजल्ट आ रहा है, तो मतलब ये जो यहाँ पर दिया है ना आपको, इसको 2⁻ में ले जाना है अगर आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और एक ही वैल्यू आपने एसटीज रख देनी है, समझाई बात। अब अगर आप पहले वाला क्वेश्चन देखो, जो जहाँ पे 40, 80 और 160 आता, तो उसको देख लेते हैं एक बार, उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, हमने लिखा 10, ठीक है, × 2⁻², तो ये कितना बनेगा, 40 बनेगा, है ना। जब हम यहाँ पे 3 कर दिए तो ये 80 बन जाएगा, 8 हो गया, 8 × 10, तो हमने 4 कर दिए तो कितना बन गया ये, 2⁴, 16 × 10, 160, समझ आई बात। तो आपने सिंबल को रिप्लेस कर देना है मल्टीप्लाई से, और जो यहाँ पर नंबर दिया गया उसको 2⁻ में ले जाना है, बस, समझ आई बात। Yes, sir. 2⁻ को आप कैसे लिख सकते हो, एक चीज और बताता हूँ आपको मैं, अगर आपने लिखना है, देखो एक तरीका तो क्या है कि आप इसको ऐसे लिखो, तो हमने डिस्कस कर लिया 15, ठीक है, 15 × और हमारे पास क्या था, अगर 2⁻ लिखने, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि दो बार हम उसको मल्टीप्लाई कर दें। Yes, sir. इस तरह से, है ना, कर सकते हैं। अब अगर हमें मल्टीप्लाई, हमें क्या करना है,
सॉरी जो हमें आंसर चाहिए था तो वो आंसर सॉरी आंसर तो खैर चलो वही आ गया हमारा, हम 10 पे कर रहे थे कैलकुलेट, ठीक है 40 आ गया। बट अब सपोज मुझे क्या करना है, 2 की पावर 15 या कुछ इस तरह से करना है, या लेट्स से 2 की पावर 3 करना है मैंने, तो कितना बनेगा वो 80 बनना चाहिए, बट यहाँ पे देखो भी क्या आएगा मेरा आंसर 60, ठीक है बात समझ आ रही है। अच्छा यस सर, क्यूब करना है तो मुझे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, टू इंटू टू ऐसे क्यूब बन जाएगा और मेरे को 80 मिल जाएगा कि नहीं। प्रोग्रामिंग और जावा में कर रही था, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मैथ जावा के अंदर एक क्लास है मैथ, मैथ डॉट इसके अंदर एक फंक्शन है POW, ठीक है। अब ये दो चीजें लेता है आपकी, एक रहेगा जो नंबर जिसकी आप पावर करना चाहते हो और कितनी करना चाहते हो, एक वो नंबर रहेगा, ठीक है। तो हम करना चाहते हैं 2 की कितनी पावर, लेट से 3, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो भाई। लेकिन ये क्या करेगा, अब आपका जो रिजल्ट होगा ना वो डबल बन जाएगा, क्यों वो रीजन बताता हूँ मैं आपको। अभी देख रहे हो यहाँ पॉइंट में आ गया नंबर, यस, क्योंकि जो पावर फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप क्या है, ये वापस क्या करता है आपको, ये डबल वापस करता है और लेता भी क्या है डबल, है ना। मैंने यहाँ इंटीजर पास किया है और ये चीज हम देख चुके हैं कि आप बड़े डेटा टाइप में छोटा डेटा टाइप पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, ये तो देख चुके हैं ना हम अभी। यस सर, हाँ जी ठीक है। तो आप इस तरह से कोई भी मैथ क्लास का यूज करके, पावर फंक्शन का यूज करके कोई भी आप पावर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट समझ आ गया? यस सर। गुड, अब आते हैं राइट शिफ्ट के ऊपर। अब राइट शिफ्ट में क्या होगा, इसमें उल्टा होगा। अब जैसे मैं इस नंबर को मैं 2 बिट अगर पीछे शिफ्ट करता हूँ, मतलब मैं लेफ्ट राइट की तरफ जा रहा हूँ, तो ये 0 आ जाएंगी 2 और मेरा नंबर ये रह जाएगा, तो मतलब जो इसमें से ये था मेरा नंबर, ये भाग गया, मेरे पास कितना बचा है जी, छोटा हो गया, करेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं अब वापस से क्या करता हूँ, इसको मैं करवाता हूँ लेफ्ट राइट शिफ्ट, कितने बिट, 2 बिट, तो ये नंबर बन जाएगा आपका कितना, ओनली 2। समझ आई बात, कैसे 2 बनाए, क्योंकि 2 बिट आपने शिफ्ट कर दिए, पहले नंबर ये होता था आपका, आपने इसको 2 बिट राइट में शिफ्ट किया है, तो राइट में शिफ्ट करने पर क्या हुआ, ये इतना बन गया, ठीक है। yes. इसमें क्या करना है, इसमें आपने सिंबल को रिप्लेस करना है किससे, डिवाइड से, और वो सेम फॉर्मूला चलेगा 2 की पावर वाला, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें इसी केस की, मेरे पास है 10, ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, ये तो कर रहे हैं अभी हम। yes, अगर sir, मैं रिमाइंडर आ रहे हैं, नहीं रिमाइंडर नहीं आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, राइट शिफ्ट कर रहे हो, है ना। राइट शिफ्ट करने पर इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, कोएफिशिएंट क्या आएगा, 2, ठीक है। तो वही आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, लेट्स से मैं 15 कर देता हूँ, तो आपका थोड़ा सा और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इस केस में कितना आएगा, अब रिमाइंडर भी इतना ही बचता है, रुको इसको कर देते हैं हम 2, ठीक है, बट 2 से हमारा काम चलेगा नहीं, क्योंकि 2 के पावर में लिखना होता है। मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ जी, 6 मैंने 20 लिया, सपोज 20 लिया मैंने, ठीक है, और मैंने इसको क्या किया, 4 शिफ्ट किया मैंने इसको, कितना, 2 बिट। तो 20 को पहले हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार, 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हैं 20 को। yes, है ना, इसको yes. अब अगर शिफ्ट करना है 2 बिट, तो कितना बन जाएगा, ये पहला वन है इसका, वो यहाँ आ जाएगा
ठीक है, यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ वन आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका, इसको पढ़ेंगे अगर तो कितना बनेगा, वन फाइव फाइव, ठीक है। और अगर मैं यहाँ करता हूँ तो कितना आ रहा है, अगर ये रिमाइंडर दे रहा होता तो कितना बचना है यहाँ पर, जीरो है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो हमारा रिजल्ट आएगा वो किस तरह से आएगा, कोशेंट आएगा हमारा ना। ट्राई कर लेते हैं इसको एक बार, ये तो देख लिया हमने कैसा आया, अब 20 को देखते हैं हम, तो 5 आ गया, ठीक है। अब अगर आप ज्यादा ही शिफ्ट कर दोगे, जैसे इसमें 3 बिट और बची हुई है, अभी एक और शिफ्ट करोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा भाई आपका 2 बच जाएगा, है ना। एक और कर दोगे तो फिर कितना बचेगा, 1 और एक और कर दोगे तो 0 जीरो, मतलब उसके बाद फिर कितना करते रहो, जीरो हो जाएगा ये। जैसे हम किसको देख रहे हैं, 20 के लिए हमने 2 किया, 5 है, 3 किया तो कितना है, 6 2 ही बना था ना ये भी, जब हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे। ओके मैं कुछ और, अब करते हैं 4 बिट, तो 4 बिट पे कितना बचेगा, 1 और 5 बिट के बाद क्या हो जाएगा, सारा 5 पे भी 0 हो जाएगा, है ना। इवन आप बोलते हो 6 तो अब सारा 0 ही हो रहा है, क्यों 0 हो रहा है, समझ आ रही है बात। यस सर, क्योंकि अब जो बिट्स हैं वो आपके पावर में चले जा रहे हैं, एक तरह से आप कह सकते हो, मतलब भाई इधर आपकी प्लस वाली रेंज है, प्लस वाली कहो या मल्टीप्लीकेशन वाली रेंज है, जब सपोज आप एक डेसिमल पॉइंट के बाद आ गए, है ना, वैसे डेसिमल का कांसेप्ट नहीं है कुछ, तो आपकी कुछ इस तरह से बनेगी, 1 by 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर आपका बनेगा 1 by 4, राइट, 1 by 8, ऐसे ऐसे आपका छोटा होता चला जाएगा नंबर, समझ आ रही है बात। जैसे यहाँ पर था हमारा, इधर हमारा चल रहा था 1 square 2 square 3 square 4 square, इधर हमारा वो पीछे जाता रहेगा नंबर, मतलब 1 divide by 1 square, 1 divide by 2 square, इस तरह से, समझ आ रही है बात, ठीक है। चलिए ये था भाई हमारा कौन सा, राइट शिफ्ट। एक और रहता है, इसको कल डिस्कस करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट फिल विद जीरो। उससे पहले एक और चीज बताता हूँ।